F5 डिवाइस के लिए यहाँ पे एक अनदर अपडेट आ चुका है हमारे होराइजन ड्रॉइड का, जो कि मैं यूज़ कर रहा हूँ 1 डे से। और यहाँ पे क्या कुछ कैसे देखने को मिलता है, कस्टमाइजेशन क्या है और स्पेशली परफॉर्मेंस क्या निकल के आता है, वो आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। और आप ये डिसाइड कर पाओगे पूरा वीडियो वॉच करने के बाद किसे डालना है या फिर नेक्स्ट अपडेट का आपको वेट करना है, बस लास्ट तक वॉच कर लेना। और आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, लाइक कर दिया करो, क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते हो ना ही शेयर करते हो, जिसकी वजह से व्यूज काउंट डाउन रहता है और फिर कस्टमर का वीडियो देने का मन नहीं करता। तो अगर आप चाहते हो कि ये कंटिन्यू रहे तो प्लीज कम से कम एक तो शेयर कर दिया करो, जिससे भाई मुझे भी थोड़ा बहुत बेनिफिट मिले और मोटिवेशन मिले। सबसे पहले चीज़ आप यहाँ पे देखोगे कि आपको यहाँ पे हाइपर वाला जो कि लाइका कैमरा वगैरह है वो देखने को मिल जाता है डिफॉल्ट, जिसकी वजह से आपको यहाँ पे कैमरे से रिलेटेड तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ये आपको एक प्लस पॉइंट देखने को मिल जाता है। ऑडियो इफेक्ट्स ये वाला दिया गया, कोई डॉल्बी वगैरह यहाँ पे नज़र नहीं आया मेनू के अंदर, तो यहाँ पे ऑडियो कैसी क्वालिटी है वो मैं आगे आपको सुना दूंगा, क्योंकि लास्ट टाइम से मैंने ये चीज़ें ऐड करी है ताकि आपको आइडिया लगे। अबाउट फोन की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है एंड्रॉयड 15, जो कि होराइजन ड्रॉयड है, जिसमें आपको वर्जन देखने को मिलता है V5.2, जो कि एक ऑफिशियल अपडेट है, जहाँ पे हमारे मेंटेनर का नेम देखने को मिलता है, 5 अप्रैल का एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच है, बिल्ड 21 का है और यहाँ पे आप कर्नल वगैरह देख ही सकते हो। बैक की ओर आते हैं तो यहाँ पे आपको बिल्ड नंबर देखने को मिल जाता है, अनदर यहाँ पे आपको सबसे बॉटम पे एक्सेसिबिलिटी, डिजिटल वेलबींग, गूगल सर्विसेज वगैरह, लोकेशन, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, जहाँ पे फेस अनलॉक फिंगरप्रिंट आपके प्रॉपर वर्किंग रहते हैं, ऑटो कंफर्म अनलॉक का भी ऑप्शन मिल जाता है स्क्रैम्बल लेआउट वगैरह के साथ। साथ ही साथ यहाँ पे आपको प्राइवेट स्पेस एंड्रॉयड 15 का फीचर्स मिल जाता है, यहाँ पे आपको वही सारे कॉमन से बेसिक ऑप्शन मिलते हैं, जहाँ पे ज़्यादा कुछ नया ऐड नहीं हुआ और डिवाइस आपका इनक्रिप्टेड यहाँ पे रहता है। यहाँ पे हम बात करें सिस्टम की तो यहाँ पे आपको मिल जाता है बटन का सेटिंग, जहाँ पे इन्वर्ट का ऑप्शन है, पावर मेनू में आपको क्या कुछ रखना है वो चीज़ आप यहाँ पे सेट कर सकते हो, साथ साथ लॉन्ग प्रेस टॉर्च का, एंसर का, रोटेशन का और यहाँ पे आपको जो पार्सल स्क्रीन शॉट का भी बेनिफिट देखने को मिलता है। अनदर यहाँ पे जेस्चर्स के बेसिक से ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि 1 हैंडेड टैप टू चेक, डबल टैप वगैरह के ऑप्शन, और यहाँ पे सिस्टम डायग्नोसिस का ऑप्शन दिया गया है जो कि डिवाइस का, ये फिलहाल सभी में ऐड होना चालू हो चुका है। यहाँ पे आपको अपडेटर मिल जाता है, जहाँ से नेक्स्ट टाइम को अपडेट जो आएगा वो आपको पता चल जाएगा, बट आपको तो मैनुअली फ्लैश करना पड़ेगा या यहाँ से भी आप चाहो तो कर सकते हो अगर लॉन्ग टाइम तक यूज करते हो तो। साथ साथ बैटरी के अंदर आपको मिल जाता है बैटरी चार्जिंग कंट्रोल, और इसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा फीचर्स आपको यहाँ पर नहीं मिलता बैटरी से रिलेटेड, तो बाकी सब कुछ सिंपल ही है। वॉलपेपर ने स्टाइल के अंदर इन करते हैं तो आपको यहाँ पे वॉलपेपर देखने को मिल जाता है, जहाँ पे आपको कोई भी AI वॉलपेपर का फीचर्स नहीं मिलता, सिस्टम डिफॉल्ट एक ही वॉलपेपर मिलते हैं। कुछ यहाँ पे फॉन्ट्स दिए गए हैं, बाकी यहाँ पे वही सारे आइकन चेंज करने के ऑप्शन आपको मिल जाते हैं और यहाँ पे डिवाइस के शॉर्टकट्स वगैरह मिलता है। लॉक स्क्रीन पे आप ऐड यूजर फ्रॉम लॉक स्क्रीन, डिवाइस कंट्रोल वगैरह, डायनेमिक का, ऑलवेज ऑन का बेनिफिट यहाँ पे ले सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पे आपको मोड्स मिल जाता है, जो कि अभी फिलहाल सभी कस्टमरों में आ रहा है और मैंने हर एक में दिखा रखा है, तो इसके बारे में आपको ऑलरेडी पता होगा। स्लीप मोड, DND वगैरह खुद का अपना क्रिएट भी कर सकते हो, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे मिलती है। साउंड के प्रोफाइल पे नीचे आपको क्लिकिंग के ऑप्शन मिल जाते हैं, चार्जिंग साउंड भी दिया गया है, जो कि आप जब भी कनेक्ट करोगे ये वाइब्रेट करेगा। अनदर यहाँ पे आपको मिल जाता है जो कि वाइब्रेट का ऑप्शन है और नॉर्मल सी चीज़ें हैं। साउंड के प्रोफाइल के अलावा नोटिफिकेशन के अंदर आपको बेसिक से ऑप्शन मिलते हैं, लेकिन हाँ, ये नोटिफिकेशन कूलडाउन का फीचर्स यहाँ पे ऐड किया गया है, जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया है, तो काफ़ी बेनिफिशियल ये फीचर्स है जो कि आपके डेली लाइफ में काम आएगा, अगर आप बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया यूज करते हो और पूरे दिन नोटिफिकेशन बजते रहते हैं तो ये आपकी हेल्प करेगा। अनदर यहाँ पे आपको ऐप्स के अंदर देखने को मिल जाता है, जो कि वही बेसिक कोई भी क्लोन का फीचर्स नहीं दिया गया और ये इसका एक्स्ट्रा कस्टमाइजेशन, बट किस लेवल के कस्टमाइजेशन मिलते हैं वो देख लेते हैं। यहाँ पे आपको इसका अबाउट देखने को मिलता है, जहाँ पे टीम और बाकी सपोर्ट मिल जाते हैं। क्विक सेटिंग के अंदर डेटा एवरेज और ब्राइटनेस परसेंटेज है। स्टेटस बार के अंदर कलर नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन काउंटर और ऑनगोइंग प्रोसेस बार चिप। साथ साथ थीम के अंदर ऑनली ऑन अभी सिर्फ और सिर्फ ऑफ स्क्रीन का ही फीचर्स ऐड हुआ है। नोटिफिकेशन पूरा का पूरा ब्लैंक है। यहाँ पे लॉक स्क्रीन की बात करें तो ये भी ब्लैंक आपको मिलता है। मिसलिनियस में इग्नोर विंडो सिक्योर का ऑप्शन मिल जाता है और साथ साथ यहाँ पे आपको अलाउ एप्लीकेशन डाउनग्रेड, बस बहुत ही कम सेटिंग दिए गए हैं। फोल्डर तो काफ़ी ज़्यादा है, तो मे बी आने वाले टाइम में हर एक अपडेट के बाद सारी सेटिंग है जो धीरे धीरे ऐड करी जाएगी। तभी इनका मेन फोकस है रोम को स्टेबल करना, बेटर करना, ग्लिच फ्री करना, बग फ्री करना, और धीरे धीरे जैसे जैसे होगा फीचर्स ऐड होगा तो ये भी एक अच्छा सा स्टेप यहाँ पे लिया गया है। बाकी यहाँ पे आपको वही सारे कॉमन से ऑप्शंस मिलते हैं, जिसमें कुछ भी नया नहीं है। अब आते हैं बाकी होम स्क्रीन पे और देखते हैं बाकी अदर ऑप्शंस वगैरह। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है यही लॉन्चर का सेटिंग, जहाँ पे काफ़ी कुछ चीज़ें दी गई है जो कि आप अपने हिसाब से यहाँ पे कस्टमाइज मॉडिफाइड है जो कर सकते हो, आपको दिक्कत नहीं आने वाला। साथ साथ यहाँ पे मैंने WhatsApp भी डाला है, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई यहाँ पे जो WhatsApp हमारा अनऑफिशियल बता दे रहा है कुछ रोम में बताओ, तो यहाँ पे मैं चेक कर ले रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना आए। तो मेरा तो WhatsApp काम कर रहा है, अगर आपका दिक्कत आ रहा है यानी आपके WhatsApp के साइड से कुछ प्रॉब्लम है या आपने कुछ छेड़छाड़ किया है, अदरवाइज इस रोम के साइड से कोई इशू नहीं है।
वहीं पे हम डिवाइस सेफ्टी की बात करते हैं तो ये आपको जो पास देखने को मिल जाता है जो कि अच्छी बात है। लेकिन कुछ कुछ लोग यहाँ पे बूटलोडर के बारे में पूछते हैं कि क्या स्पूफ का फीचर्स है या नहीं, तो यहाँ पे भाई अनलॉक ही शो करेगा, कोई स्पूफ वगैरह नहीं दिया गया। और रही बात यहाँ पे हमारा टेस्टिंग रिजल्ट क्या कुछ आता है, तो उसके ऊपर हम एक नजर है जो डाल लेते हैं। सबसे पहले देखो अनटूटू स्कोर काफी बेहतरीन आपको देखने को मिलता है, कोई भी शिकायत नहीं है। सीपीयू टोटल थोड़ा सा डाउन रहता है बट वन डे के बाद जब रोम सेटल होता है तो यहाँ पे स्कोर काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाता है। यहाँ पे 3,95,000 का मैक्स और मिनिमम 3,01,082 का परसेंटेज निकल के आता है जो कि काफी ज्यादा यहाँ पे सही है। वहीं पे इक्विपमेंट्स की बात करें तो यार काफी बेहतरीन है, टॉप नॉच का रिजल्ट है। लेकिन हाँ, हल्का फुल्का आपको कूल एनवायरनमेंट देना पड़ेगा, अगर आपका फोन काफी वार्म है या हीटिंग है उससे मैं चेक करोगे तो ये उतना अच्छा रिजल्ट नहीं दिखेगा जितना कि मैंने यहाँ आपको दिखाया है। वहीं पे बैटरी ड्रॉप की बात करें तो 47 के बाद मॉर्निंग में ये आ जाता है हमारा 44, जहाँ पे आप देखोगे कि 9:34 मिनट में 3% का बैटरी ड्रॉप है जो कि मैं कहूँगा काफी सही है, कोई बुरा नहीं है। अनदर यहाँ पे आप देख सकते हो आइडियल ड्रेन वगैरह यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे व्हाट्सएप वगैरह मैंने चेक किया है, डिवाइस आपका सर्टिफाइड है जो कि मैंने शो कर ही दिया था आपको, यहाँ पे भी ये मैंने शो किया। सेटिंग के अंदर आपको जो अल्ट्रा एक्सट्रीम का सेटिंग अनलॉक मिल जाता है, अच्छी बात है। इसका फीचर्स नहीं दिया गया कोई सेटिंग ऑन ऑफ करने का, लेकिन ये बाय डिफॉल्ट आपको अनलॉक मिलता है। फोटो स्टोरेज भी आपको अनलॉक मिलता है तो इससे रिलेटेड भी दिक्कत नहीं आएगा। L1 का सपोर्ट भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और कैमरा वगैरह मैंने चेक किया है, कैमरा हमारा प्रॉपर काम करता है। चार्जिंग आप देख सकते हो 33 मिनट में 71% गया है, तो ये भी चीज़ आपको यहाँ पे काफ़ी सही निकल के आती है। तो ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। रही बात डालना कैसे, तो इसे आप चाहो तो ADB साइड लोड के मैटर से डाल सकते हो या फिर अपने ऑरेंज फॉक्स रिकवरी से भी फ्लैश कर सकते हो। रही बात यहाँ पे ऑडियो आउटपुट क्वालिटी कैसा है, जैसे कुछ टाइम से मैं आपको सुना रहा हूँ तो चलिए मैं आपको सुना देता हूँ। यहाँ पे आपने जो सुन लिया तो यही सारी चीज़ आपको इस रोम की तरफ से देखने को मिलता है। ज़्यादा कुछ नहीं है, मिनिमलिस्टिक समझ लो कि है रोम, और परफॉर्मेंस वगैरह सब कुछ अच्छा है और मेरी तरफ से रिकमेंडेड है। बट टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपको किस टाइप का है जो यहाँ पे रोम चाहिए और किस टाइप का नहीं चाहिए। बाकी यहाँ पे सारी चीज़ आप देख ही चुके हो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो यार लाइक करके शेयर जरूर करना, क्योंकि मुझे चाहिए आप लोगों का सपोर्ट, तभी मैं आपको जो कंटिन्यू सारी चीज़ें प्रोवाइड कर पाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।